मृतक मनरेगा में मजदूरी कर ले रहे हैं भुगतान। पोहरी विधानसभा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, गरीबों की मनरेगा योजना। दो साल पहले मर चुके पीतम एवं अनेगा कर रही है ग्राम पंचायत भौराना में मजदूरी। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। पोहरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भौराना में सरकार की जनहितेशी योजना किस प्रकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, यह ग्राम पंचायत भौराना में देखने को मिल रहा है। गांव में कागजों में सीसी रोड निर्माण तक हो गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जेब गर्म कर शांत बैठकर सरकार की विभिन्न योजना का तमाशा देख रहे हैं। पोहरी में यहां भ्रष्टाचार का पहला मामला नहीं है। पोहरी जनपद को ODF घोषित किया है, लेकिन आज भी लोग बाहर शौच करने जा रहे हैं क्योंकि इसी पंचायत में शौचालय का महाघोटाला हुआ है। जनाब ये हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि सरपंच एवं सचिव की अपनी पंचायत के रोजगार पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पंचायत में मनरेगा पर मृतक द्वारा मजदूरी की बात पर सरपंच एवं सचिव बोले, बिल्कुल रोजगार सहायक की यहाँ सब करवा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में उपयंत्री जी कहाँ हैं पता नहीं, क्योंकि ग्राम में कार्यों का मूल्यांकन कैसे कर दिया गया? क्या इंजीनियर साहब को काम नहीं देखा या फिर जेब गर्म हो गई? तभी तो साहब पूरे मामले में शांत रहे। ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों में मृत्यु के उपरांत मृत व्यक्तियों द्वारा मजदूरी का काम कराकर उसका भुगतान भी निकाला लिया, जबकि गांव में मृतक मजदूरी भी बिल्कुल सही तरीके से करके अपना भुगतान भी प्राप्त किया है। अब सवाल ये उठता है कि मृत्यु के उपरांत कोई कैसे मजदूरी कर सकता है और उसके खाते से राशि भी अहरण हो जाती है। मध्य प्रदेश में इस पंचायत ने मृतक से मजदूरी करवा कर भ्रष्टाचार का नया अध्याय लिख दिया है। जनाब ये मध्य प्रदेश है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। नाम क्या? राम स्वरूप। गांव का नाम? भौराना। आपकी जो माता थी अनेगा, उनने ग्राम पंचायत में भी 2 महीने पहले मजदूरी की है और भुगतान भी हो गया, तो मम्मी को खत्म हुए कितने साल हो गए अभी? 1 साल मान लो। 1 साल हो गए, तो फिर मजदूरी किसने की? मजदूरी तो हम करते नहीं, तो वो मम्मी कर रही है अब अभी। कागजन में सर, मनरेगा में मृतकों से मजदूरी कराने का मामला आया, ग्राम पंचायत बोराने में मामला आया, आपके संज्ञान में सर? हाँ, पेपर में एक खबर निकली थी जो वायरल होके हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आया था और उसको हमने संज्ञान में भी लिया है, साथ में नोटिस भी दिया है। सर नोटिस के बाद आगे कोई यदि सत्यता पाई गई तो उनसे जवाब मांगा है कि इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज है, बस स्थिति जो आएगी समझ। भैया नाम क्या? गांव का नाम? मतलब भैया जो प्रीतम यादव जी हैं, इनको शांत हुए खत्म हुए कितने समय हो गया? तीसरे के अंदर कितने समय पहले खत्म हुए? 2020 में खत्म हुए थे। अभी हमने सुना कि जे ग्राम पंचायत में एक आपके पाल हैं कोई महिला, वो और जे मजदूरी कर रहे हैं, ऐसा सुना है कि ग्राम पंचायतों में मजदूरी, क्या आपने भी सुना है ऐसा? मेरा तो खत्म हुआ मजदूरी, कौन करे? तो एक महिला भी है, वो नाम क्या उनका जो मजदूरी कर रही है? अनेगा। तो उनको भी कितना समय हो गया? 2 साल बाद चली। तो वो भी मजदूरी कर रही है? मनी मराई कहाँ कर रही है, खत्म हो गई कहाँ कर रही है? भैया नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा। ब्रजेश भैया आप रोजगार सहायक हैं, वो सचिव हैं ग्राम बोरान, तो बोराने में भी एक मामला आया पैसे निकालने का कि मृतक के खाते में मनरेगा की मजदूरी की, आपको पूरा मामला पता है? हाँ, ये मामला ये है कि रोजगार सहायक जो राजेंद्र जाटव है ना, वो समायुक्त ने हटा दिया है, उसी वॉक लाकर उसकी छोटे भाई दिनेश जाटव ने इसको सरपंच को दबाव में लेने के लिए, मुझे दबाव में लेने के लिए अनावश्यक पैसों की मांग कर रहा है हमसे और जबरदस्ती एक जो क्लू लगाया है फालतू का तो। और इसके अलावा उसके शौचालय घोटाले जनपद पौरी में जिला पंचायत CEO से FIR हेतु दर्ज है। श्रीमान आप भी पत्रकार महोदय भी वहाँ तलाश की और अभी निकलवा सकते हैं उसका। नहीं माने जो पैसे का मामला है, पैसे का मामला नहीं, डलने का तो वो सही है, वो उसने ही उसी की साजिश है, कोई मामला नहीं है। साल से चला बिल्कुल फ्रेश, हमारे नए जॉब कार्ड है, भेड़िया और 2 परिवार हैं केवल, नए जॉब कार्ड पे भुगतान किया है,
पूरे मस्टर निकलवा के वो सब मैं पेश करवा दूंगा। तो ये केवल साजिश बस है। आपने शिकायत की है इसकी? नहीं, अब शिकायत अब उसने की है, पहले उसने की है, अब उसका जवाब देंगे हम, मैं प्रमाण पत्रों के साथ। ठीक भैया, नाम क्या है? मेरा नाम अवतार यादव। गांव का नाम? ग्राम बोरान। बोराने में आपके जो दादाजी हैं वो जो मनरेगा उसमें मजदूरी कर रहे हैं, उनको पैसे भी आए हैं? सुना है कि आपके दादाजी तो शांत हो गए, तो आप बताएंगे पूरा मामला क्या है, कितने समय हुआ आपके दादाजी को शांत? दादाजी को शांत हुए, दादाजी 2020 में ही शांत हुए। लेकिन लगातार सम्मान निधि की बात करें तो उनको जो मनरेगा का पैसा भी मिल रहा है, मजदूरी भी कर रहे हैं वो, तो कौन कर रहा है मजदूरी? पर मजदूरी साहब वो खत्म ही हो गई, तो अभी मजदूरी करने कहाँ से आएंगे? नहीं तो अभी तो उनके अकाउंट से पैसा भी निकले हैं, मैंने सुना कि पैसे भी निकाल लिए। इस चीज़ की हमें कोई इस चीज़ की जानकारी नहीं है, मतलब जे तो जे कर्मचारी ने जिन्हें किया होगा, जो भी कुछ किया होगा तो नहीं, तो वाले ने निकाल कैसे दिए ऐसे? नहीं तो लगातार बात करें तो खत्म हुई, उनको लंबा समय हो गया, फिर भी जहाँ की ग्राम पंचायत तो उनसे मजदूरी करवा रही है आज, वो उनकी गलती है, कैसे डलवा रही है मजदूरी? वो मजदूरी डलवा रही है, फिर पैसे ने कौन निकाल रहा है? तब वो आदमी नहीं है तो वे पैसा कैसे निकल रहे हैं? पिताजी के, आपके दादाजी के पिताजी का नाम क्या है? दादाजी के पिताजी का नाम कृष्ण यादव। कृष्ण यादव। नाम क्या है? मेरा नाम बिसंबर। बिसंबर भैया, आपके ग्राम पंचायत बोराने में आप सरपंच भी हैं, तो बोराने में कई लोग जो मृतक हैं, मर चुके हैं, उनको भी रोजगार दिया गया माने मनरेगा में, तो किसने किया? ये राजेंद्र जाटव जी। कौन है? सहायक आकुर्सी का। तो आपको जानकारी नहीं है? नहीं, नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं। तो उस खाते में पैसे भी डल गए और निकले भी गए? उसी ने किया सब, सब वही 8 साल से कर रहा है, और 100 सालों का घोटाला उस पर, ये कुटीरों का घोटाला है, उसके क्या घोटाले के ही हो, आदर्श ग्राम का घोटाला है, हमने तो कुछ अभी तक किया ही नहीं। नहीं तो आप कितने समय हो गया सरपंच बने? मैं तो ये अभी 6-7 महीने हुए हैं। तो अभी तो वो जो जो पैसे जैसे खाते में गए वो सही पैसे गए हैं ना? सही, बिल्कुल उसी के खाते में, वही डालता था। नहीं तो जो मर गया उसके खाते में पैसे गए हैं ना? हाँ बाबा, तुम कह रहे तो गए, मुझे तो बता दीजिए गए क्या नहीं गए। आप विपक्ष में हो, लगातार देखने को मिला कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, और कुछ जो बोरानी ग्राम पंचायत है उसमें मृतक भी मजदूरी कर रहे हैं और भुगतान भी ले रहे हैं, क्या कहना है आप? देखिए, जहाँ भाजपा है वहाँ भ्रष्टाचार होना तो तय है। रही बात मनरेगा की, तो मनरेगा की स्कीम गरीबों के लिए बनी थी, एक ऐसे मजदूरों के लिए बनी थी कि जो उनका हक दिला सके, लेकिन जब बात मृतक पर आ रही है तो स्वाभाविक है कि चारों ओर जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा है, एक उदाहरण को मिल रहा है कि मरे हुए के नाम पर जो मनरेगा का जो मानदेय लिया जा रहा है वो सरासर गलत है। इसमें जो अधिकारी लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी दिशा निर्देश पर जो ये मनरेगा के जो मिल रहा है उनको मानदेय, ये गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसका विरोध भी करते हैं, और संबंधित अधिकारी हों चाहे क्षेत्र के प्रतिनिधि हों, सब लोग गलत हैं, और भाजपा है तो भ्रष्टाचार संभव है, तो ये गलत है।